हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KNRR। आज मैं बनाने जा रही हूँ पटल दही। पटल दही बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम पटल लिया और इनके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, दही पटल बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच दही ली, 4 लौंग, 4 इलायची और 2 दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 काजू और 4 हरी मिर्च, और उसके बाद 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा और मिर्ची 1 चम्मच और सरसों के तेल। बस अब आगे चलते हैं हम बनाने के प्रोसेस में। इसके पहले हम पटल को छील लेंगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे पटल को छीलना है। ये देखिए, मैंने पटल को छील लिया, सारे पटल को। अब पटल में देखिए ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, और फिर बीच दोनों साइड से कट लगा के बीच में थोड़ा थोड़ा खीरा लगा देंगे ऐसे दीजिएगा, ताकि इसके अंदर मसाला आसानी से घुस सके। नमक और हल्दी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद हम तेल में फ्राई करेंगे। हो गया, और 10 मिनट के लिए पटल भी ये हो गया। अब इसमें हम पटल को डालेंगे। पटल फ्राई हो रहा है तब तक हम काजू और मिर्ची का पेस्ट बना लें। काजू को मैंने भिगो के रख दिया था, अब उसका पेस्ट बनाएंगे। काजू का और मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे, इसको पानी में भिजा दिए हम थोड़ी देर के लिए। अब इसका पेस्ट तैयार करेंगे। काजू पटल का पेस्ट तैयार है। अब इसमें हम दही डालेंगे, दही डाल के इसको फिर मिक्स कर लेंगे। धनिया जीरा मिर्ची में मैंने पानी डाल के रख दिया है, घोल तैयार कर लिया है। देखिए पटल मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इस पटल को निकाल ले रही हूँ। दालचीनी, लौंग और इलायची डाल दे रही हूँ। इलायची को थोड़ा कूच लें। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम धनिया जीरा पेस्ट डाल देंगे। दो मिनट चलाएंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम कलर के लिए, और थोड़ी सी नमक, क्योंकि नमक हमने पटल में डाला है। अब हम इसमें देखिए तेल दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें दही और काजू और मिर्ची का घोल डालेंगे। स्टीम फ्लेम कम कर दे, नहीं तो दही फट जाएगी। और धीरे धीरे ऐसे चलाते रहें। देखिए ग्रेवी में तेल अब दिखाई दे रही है। अब हम इसमें वापस से फिर फ्राई किया हुआ पटल इसमें डाल देंगे।
और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। दो मिनट के लिए इसे अब ढक के रख देंगे ताकि पटल जो थोड़ी ये पक जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर छोड़ा है पटल में। अब इसमें हम टेस्ट के लिए एक चम्मच चीनी डाल देंगे टेस्ट के लिए और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हो गई हमारी दही पटल रेडी। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ किसी से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। दही पटल में सर्विंग बाउल में निकाल ली हूँ और इसे गार्निश कर दी हूँ। आप इसे जिसके साथ हो, रोटी, पराठा, पूरी, चावल, जिसके साथ हो खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यम्मी है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें अपने घर पे। धन्यवाद।